हमें इस जी की इक्वेशन के जीरोज निकालने हैं। हम क्या करेंगे, पहले वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाले कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया 4 × 1 = 4। अब 4 के फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके ऐसे दो नंबर बनाने हैं, ये दो नंबर हो गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो 4 आ जाए, तो नंबर हो गया 2 + 2। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2s - 1 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें से और इसमें से, इसमें तो कॉमन है 2s - 1, क्या बचा 2s - 1, ये वाला 2s बचा और ये 1 बचा। एक बार इन दो नंबर की जीरो कब जीरो प्रोडक्ट कब जीरो होगी, या तो ये नंबर जीरो होगा या फिर ये नंबर जीरो होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 2s - 1 = 0 होगा या 2s - 1 = 0 होगा। अब 1 को उधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो एस की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 1/2, इसे लिख देंगे हम अल्फा। इसी तरीके से इधर इस 1 को उधर लेके जाएंगे, ये इधर माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इसे लिख देंगे हम बीटा। ये हो गया 1/2। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, हमें इसे वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दोबारा नोट करेंगे, 4s² - 4s + 1 = 0, और हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है as² + bs + c = 0। s² के कोफिशिएंट से s² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4, और s के कोफिशिएंट से s के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 - 4, और c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 + 1/2 होता है 1। हमें निकालनी है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, सॉरी अब हमें निकालनी है माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी -4, और a की वैल्यू कितनी निकल के आई 4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट के आ जाएगा 1। s² के कोफिशिएंट से s² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, s के कोफिशिएंट से s के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -4, इसी तरीके से सी की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी 1/2 आई है और बीटा की वैल्यू 1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2,
अब टू से टू की दीवार कटेगा वन, वन की वन से मल्टीप्लाई वन, प्लस टू से टू कटेगा वन टाइम वन की वन से मल्टीप्लाई वन, तो ये हो गया टू अपॉन टू, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा वन। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है माइनस फोर और ए की वैल्यू है हमारी फोर, तो फोर अपॉन फोर कितना आ जाएगा वन। तो हमारा एफ प्लस बीटा की वैल्यू वन है और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू वन है, तो क्या निकल के आ गया हम हमारा इससे रिलेशन, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही हमें ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है ये वाला रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू वन अपॉन टू थी, बीटा की वैल्यू वन अपॉन टू, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई वन इंटू वन वन, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई टू इंटू टू फोर, और सी अपॉन ए की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू है हमारी वन, ए की वैल्यू है फोर, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी यही है और सी अपॉन ए की वैल्यू भी यही है, तो इससे क्या रिलेशन निकल के आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, फिर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड।